हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। वीडियो में मैं सीट एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके लिए बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्यों नहीं जनरेट हो रहा है या कब तक मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर वाला मैं वीडियो जो बना रही हूँ, मैं किस बेसिस पे बना रही हूँ। तो उससे पहले हम लोग बिजनेस रूल का पेज नंबर 2 देख लेते हैं। और अगर पेज नंबर 2 में देखोगे कि अपेक्स बॉडी जी मेन 2021 कंडक्ट करवाया है, और जो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड है सीसैब 2021, वो एनएटी प्लस सिस्टम के जितने भी कॉलेजेस है उसके लिए पॉलिसीज एंड नॉर्म्स को फ्रेम करता है। तो सीसैब ही सारे एनएटी प्लस सिस्टम के लिए पॉलिसीज एंड नॉर्म्स को फ्रेम करता है, तो इतना ध्यान दो। जो सीसैब का स्पेशल राउंड होता है उसके लिए भी सीसैब ही पॉलिसीज एंड नॉर्म्स को फ्रेम करता है। तो देखो, जो भी पॉलिसीज फ्रेम करता है वो सीसैब होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं कि मैं ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ। तो देखो, अगर जोसा के वेबसाइट पे जाओगे, अगर तुम कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करोगे तो तुम्हें ये दो डिटेल्स दिखेंगी, एक आईआईटी के लिए, एक एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। तो ये तो आईआईटी के लिए पूरा क्लियर कट दिख रहा है कि आईआईटी खड़गपुर के पास तुम लोग क्वेरी कर सकते हो। और जो एनआईटी प्लस सिस्टम के कैंडिडेट है वो लोग एनआईटी जयपुर के पास कॉल करके कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर सीसैब 2021 एनआईटी जयपुर लिखा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि मैंने तो जोसा के लिए क्वेरी किया है तो मैं सीसैब के लिए क्यों क्वेरी करने जाऊं। पहले वाले पीडीएफ में मैंने बताया ना कि एनआईटी प्लस सिस्टम का जो सीट एलोकेशन होता है उसके जितने भी पॉलिसीज और नॉर्म्स है वो सीसैब ही डिसाइड करता है। तो इसके हिसाब से अगर तुमको कोई भी क्वेरी हो, चाहे जोसा में हो या सीसैब में हो या एनईयूटी किसी भी राउंड में हो, तुम इस सीसैब के जो कोऑर्डिनेटर है इस साल के लिए एनआईटी जयपुर है, तो तुम यहाँ पे कॉल करके कंफर्मेशन ले सकते हो। तो ये कंफ्यूजन किसी को ना हो दोबारा, इसलिए मैंने इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया है। तो अगर तुम्हारा वेरीफाइंग सेंटर कुछ क्वेरी क्लियर नहीं कर पाता है तो तुम लोग एनआईटी जयपुर से कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि एनआईटी जयपुर 2021 का कोऑर्डिनेटर है, इसलिए उससे तुम कुछ भी पूछोगे तो उससे सही जवाब ही मिलेगा। तो होपफुली ये चीज क्लियर हो गई है। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, सीट एक्सेप्टेंस लेटर की। तो आज सुबह मैंने 8 नवंबर को एनआईटी जयपुर में कॉल किया, एनआईटी जमशेदपुर में कॉल किया कि सीट एक्सेप्टेंस लेटर सिर्फ एक ही बार जनरेट हुआ एंड दोबारा राउंड 2 या राउंड 3 में किसी का जनरेट नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल इशू क्या है, कब तक मिलेगा। तो दोनों कॉलेज ने सेम आंसर दिया, इससे भी मिस हो गया है सीट एक्सेप्टेंस लेटर को डाउनलोड करना। वो लोग अब सीधे लास्ट राउंड में ही डाउनलोड कर पाएंगे, उससे पहले अब जनरेट नहीं होगा। तो सीट एक्सेप्टेंस लेटर या तो फर्स्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग राउंड में जनरेट होगा या तो लास्ट राउंड में जनरेट होगा। और एक चीज है, जितने भी लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो लोग इस बार एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे आईआईटीज या एनआईटी प्लस सिस्टम में, तो वो लोग लास्ट राउंड में एक बार जोसा का डैशबोर्ड लॉगिन करके देखना, क्योंकि लास्ट राउंड में पता नहीं कितने सारे लेटर्स वो लोग अपडेट करेंगे, इस बार का कुछ आइडिया नहीं है। तो तुम लोग को बस यही सजेशन है कि लास्ट राउंड में सारे लोग एक बार लॉगिन करके देख लेना कि क्या क्या लेटर्स या पीडीएफ उन लोगों ने अपलोड किया है, एंड जो भी पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो सारा डाउनलोड करके रख लेना। तो होपफुली अब तुम लोग सीट एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अब ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, तुम लोग को लास्ट राउंड में मिल जाएगा सीट एक्सेप्टेंस लेटर जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना जो लोग भी जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।